लगभग सभी सर्वे में, सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस दो कदम और बचे हैं, बस दो तीन सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं। और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां अपने, कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद मैं रखूं। बिल्कुल सही कहा सीएम साहब ने। ते वो कहंदे भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर दें सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर आम तौर पर पार्टियां सीएम लोगों से थपदिया ने कि साडा आ कोटे चो होगा, साडा एस कोटे चो आ होगा, एस कोटे चो आ होगा, लोगों को पुछदिया नहीं है। जबकि 5 साल लोगों के दुखा सुखों के सीएम ने जाना होंगे। तो मैं क्या जी सर आप लोगों चो निकले हैं, क्यों ना ये भी लोगों तो पूछ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेतावां चो तुसी किनू चाहते हो कि ये जिम्मेदारी जिहड़ी है बहुत वड्डी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री दी पंजाब दी, वो किनू मिले। तो इन्होंने कहा ओके भगवंत जी तू चाहना है, क्योंकि जी मैं फिर कहना कि मुख्यमंत्री ने सूबे दे लोकां दे दुखां सुखां च काम आना है। तो जे उन्हां दी मनपसंद दा चुनिया होया तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस रहिंदा कि हाँ साडा ही बंदा है, असी इनू अगे किया है। कल नू कोई किसी ने बांह फड़ के रोकना भी हो गए रोक सकता है कि भाई तेरे मुख्यमंत्री बनाउण च साडा भी हिस्सा है। सो एक नंबर 70-748 70-748 ये जारी कर दिता गया। ये तो SMS करके जब कॉल करके जब WhatsApp पे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो। तो उन्होंने जोड़ा डाटा कट्ठा होगा वो रिजल्ट कट के थोड़े सामने मुख्यमंत्री जोड़ा पंजाब का, जिमें कि सीएम साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनगे लोग, कैंडीडेट नहीं चुनगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी चाहे
कंधा दे उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दित्ती जावे, मैं वह भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होके झाड़ू लहराउण दी ला दित्ती जावे, मैं वह भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपोर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत वड्डे वड्डे शोहरत मैं बहुत वड्डिया वड्डिया मशहूरियां देख के आया, सो मैनू उन्हां चीज़ां की कोई चाहत नहीं। पर हाँ, सीएम साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा माण किया, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास किया, उहदी कोई कीमत नहीं। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 7074870748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है, 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी, उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इम्पोर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इम्पोर्टेंट है। पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले, कोई बाहर का होगा भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर, ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं अपने को। हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो को हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीशन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पर छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी, मैं क्या कह सकता हूं, हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। टिकटों का खेल चल रहा है, उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार, आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो, जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं।